जो हमारे देश पर बुरी नजर रखते हैं, जो हमारी संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, ऐसे आतताई कंसों से भी लोहा लेना पड़े तो खड़े हो जाओ समर में। 57 कंट्रियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 100 करोड़ सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी और जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो मेरी कंट्री के हित में होगा, हम मिलकर 100 करोड़ सनातनी वही करेंगे। और देश हित करने से हमें कोई माई कलाल नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सनातनियों से निवेदन है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, एक हाथ में माला। हनुमान जी पे गदा है कि नहीं, राम जी पे धनुष है कि नहीं, कन्हैया पे सुदर्शन चक्र है कि नहीं, देवी मैया पे तलवार है कि नहीं, शंकर बाबा पे त्रिशूल है कि नहीं, तो हम भगवान के उपासक हैं कि नहीं। राम के लक्ष्मण बनो, कृष्ण के अर्जुन बनो और अपनी भारत माता के लिए जो करना पड़े कर डालो, क्योंकि अभी नहीं तो। भगवा आतंकवाद का प्रतीक नहीं है, भगवा भगवान की भक्ति का प्रतीक है, भगवा भगवान के तेज का प्रतीक है, भगवा सनातनियों के सम्मान का प्रतीक है। जब मरोगे तो काम नहीं काम आएगा, जब मरोगे तो राम ही तुम्हारे काम आएगा। और कल हमारे छोटे भैया भी आ रहे हैं, अब वो पता नहीं कहां कहां भगवा फहराएंगे, वो जहां जहां भगवा फहराएंगे डंडा हम ही लगाएंगे, भगवा झंडा भी फहराएंगे और झंडा कभी ना उतरे ऐसा डंडा भी लगाएंगे। जब 11 बरस 56 दिन के हुए तो ठाकुर जी ब्रज छोड़ चुके थे। 11 बरस का बच्चा स्त्री पुरुष में ढंग से भेद नहीं कर सकता, समझो। ये जो रास महारास काम को हराने के लिए था, पर समस्या कहां है, चोर को सब चोर दिखते हैं, चोर को सब चोर दिखते हैं, शराबी को सब शराबी दिखते हैं। शराबी के नाम पे मुझे एक बात याद आ गई, बोलूं क्या, अब बोल दूं। दो चोर थे और दोनों ही शराबी, दो चोर थे और दोनों ही शराबी। एक चोर को याद आए नशे में, भाई लो हमने सुना है कि कफन में जेब नहीं होती, क्यों? बोले भाई हमने सुना है कि व्यक्ति को मरना पड़ता है। बोले हाँ ये हमने भी सुना है। बोले एक बात बताओ, यहां तो हम रोज मिल बैठ के पी लेते हैं, जब मर जाएंगे तो फिर कैसे पियेंगे? और इनको बताए बिना भी कुछ छिपा के जेब में रख लेते तो वो जेब, कफन में जेब नहीं होती बता रहे हैं लोग, कैसे पियेंगे? तो दूसरा बोला आइडिया मिल गया मुझे। बोले क्या? बोले मिल गया, बताइयो मत किसी को। बोले क्या? बोले छुपा के बोतल कफन में ले चल, मजे से गटगट पिया करेंगे, जब मरेंगे तो कफन में छुपा लेंगे, जेब ही तो नहीं होती, अंदर छुपा लेंगे और जब मर जाएंगे तो ऊपर लेके चलेंगे पियेंगे। लेकिन इन निकम्मों को क्या पता, शराबी थे इसलिए सच बोल रहे थे, बेचारे बहक रहे थे, बहक गए। इनको तो ये भी नहीं पता कि जब मरता है ना मानव तो इस दुनिया वाले कफन भी उतार लेते हैं। कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, नंगे आए थे नंगे ही जाओगे। अगर तुम्हारे संग कुछ जाएगा तो मेरे कन्हैया से जितना प्रेम कर लोगे वही तुम्हारे संग जाएगा, और कुछ नहीं जाने वाला है। 11 बरस 56 दिन के हुए तब कन्हैया मथुरा चले गए और मथुरा में जाके आतताई को मार दिया, कंस को मार दिया। किसको मार दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज भी कई कंस हैं, बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे ही मन में काफी कंस है। काम कंस है, क्रोध कंस है, ईर्ष्या कंस है, द्वेष कंस है, लोभ सबसे बड़ा कंस है। पहले तो इन 5 चोरों को मारो, कथा सुन सुन के इन कंसों को मारो, और उसके बाद जो हमारे देश पर बुरी नजर रखते हैं, जो हमारी संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, ऐसे आतताई कंसों से भी लोहा लेना पड़े तो खड़े हो जाओ समर में। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ, और धीरे बताइए कौन कौन चाहता है कि हम संस्कारों की रक्षा करेंगे।
कौन कौन चाहता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करेंगे? कौन कौन चाहता है कि हम अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे? और भारत माता की रक्षा के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? 57 कंट्रियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 100 करोड़ सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी और जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और उनको यह बताना पड़ेगा, कंट्रोल योर लैंग्वेज एंड कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट इंटरफेयर इन माय कंट्री मैटर्स माय डियर। इट्स माय कंट्री, इट्स माय चॉइस, आई विल डू व्हाटएवर, जो मेरी कंट्री के हित में होगा। हम मिलकर 100 करोड़ सनातनी वही करेंगे और देश हित करने से हमें कोई माई कलाल नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सनातनियों से निवेदन है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, एक हाथ में माला। हनुमान जी पे गदा है कि नहीं? हनुमान जी पे गदा है कि नहीं? राम जी पे धनुष है कि नहीं? कन्हैया पे सुदर्शन चक्र है कि नहीं? देवी मैया पे तलवार है कि नहीं? शंकर बाबा पे त्रिशूल है कि नहीं? तो हम भगवान के उपासक हैं कि नहीं? भगवान के पूजा के अस्त्र शस्त्रों की हमको पूजा करनी चाहिए कि नहीं? कायर मत बनो, चकाचक बनो, राम के लक्ष्मण बनो, कृष्ण के अर्जुन बनो और अपनी भारत माता के लिए जो करना पड़े कर डालो, क्योंकि अभी नहीं तो बता दो उन मूर्खों को। भगवा आतंकवाद का प्रतीक नहीं है, भगवा भगवान की भक्ति का प्रतीक है, भगवा भगवान के तेज का प्रतीक है, भगवा सनातनियों के सम्मान का प्रतीक है, भगवा हमारी आत्मा में बसता है, भगवा आकाश में चमकता है, भगवा यत्र तत्र देखोगे वहां तुम्हें भगवा ही नजर आएगा। इसलिए हम जब पैदा होते हैं तो पृथ्वी माँ को नमन करते हैं, आकाश को नमन करते हैं, सुबह सूर्य को नमन करते हैं, और जब सुबह सूर्य निकलता है तो वो भगवा होता है मेरे प्यारे, वो भगवा होता है। तो आप सबको कल सनातन सभा में बढ़ चढ़कर सब, मैं तो कह रहा हूं पूरा भोपाल आ जाना, कल काम छोड़ दो सब, लगे रहते हो काम 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 काम। तुम्हारी कसम जवाब मत देना, दे नहीं पाओगे। जब मरोगे तो काम नहीं काम आएगा, जब मरोगे तो राम ही तुम्हारे काम आएगा। क्या बोलना पड़ेगा? और कल हमारे छोटे भैया भी आ रहे हैं, कल हमारे अब वो पता नहीं कहां कहां भगवा फहराएंगे, वो जहां जहां भगवा फहराएंगे डंडा हम ही लगाएंगे। कौन कौन डंडा लगाएगा भगवा में? मेरा तो मन कर रहा है हनुमान जी का प्राकट दिवस कल था, आज निकल चलें के यात्रा लेके, चले मेरे संग चलोगे? अभी चलोगे? गोपाल की परिक्रमा लगाया हमें? ओ बूढ़ो बाबा, ओ जवानी आ गई, क्या बात है, ऐसी जवानी चाहिए। वो जवानी जवानी नहीं जो देश के काम ना आए, क्या बात है। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये पानी का। जवानी हो तो भगत सिंह जैसी, जवानी हो तो सुखदेव जैसी, जवानी ऐसी हो महारानी लक्ष्मी बाई जैसी, जवानी ऐसी हो महाराज भोजनाथ जैसी, जो देश के और काम आ सके, भक्ति के काम आ सके।
भगवा झंडा भी फहराएंगे और झंडा कभी ना उतरे ऐसा डंडा भी लगाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? कहीं आपके संग का असर तो नहीं हो रहे? आइए हमारे मध्य में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी पधार रही हैं। पहले भगवान के विवाह में सम्मिलित हो ले और फिर चकाचक हम लोग सभी धूमधाम से भगवान के उत्सव में